हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम लोग पढ़ रहे हैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्या देखेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। यानी कि उसमें बहुत सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है ना। और उसके बाद हम लोग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग जो भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। यानी कि सीधे कहना है कि एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव है चूज द करेक्ट आंसर एमंग द फ्लोइंग। कह रहा है कि करेक्ट आंसर चूज करने के लिए बोल रहा है ना। बहुत सारा है, दो से ज़्यादा है, उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला क्वेश्चन से गैस्ट्रिक जूस कंटेंट्स, गैस्ट्रिक जूस में आखिर होती क्या है। पहला है पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, है ना, वो होता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन। तीसरा है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। चौथा है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन। तो देखिए, ट्रिप्सिन जितने भी हैं वो पैनक्रियाज में होते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस में तो होते नहीं हैं। और जेन्यून तरीके से पहला जो कह रहा है पेप्सिन है, लाइपेज है, रेनिन है, तो फर्स्ट जो आप देखो तो फर्स्ट जो जनरली तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो है जनरली देख रहे हैं पेप्सिन है, लाइपेज है, रेनिन है, ये जनरली आपको पाया जाता है। तो पहला का आंसर क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन होते हैं। चलिए दूसरा जो है कह रहा है क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चंस है आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सक्कस इंट्रिकस, सक्कस इंट्रिकस इज द नेम गिवन टू। सक्कस इंट्रिकस किसको कहा जाता है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि आपको किसको कहा जाता है, इंटेस्टिनल जूस को कहा जाता है। तो सक्कस इंट्रिकस इज द नेम गिवन टू, पहला है ऑप्शन ए, अ जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टीन। जंक्शन होता है इलियम और लार्ज इंटेस्टीन का, उसे कहा जाता है वो। हाँ, तो एक वाल्व होता है उसे इलियोक्यूवल वाल्व कहा जाता है ना। ये तो नहीं है, ये आपका गलत है, ये आपका यानी कि क्या है, गलत है। चलिए इंटेस्टिनल जूस, हाँ ये एकदम क्या है, करेक्ट है। चलिए स्वेलिंग इन द गट, गट में स्वेलिंग नहीं होता, अपेंडिक्स, ये सबको नहीं कहा जाता है। आपका आंसर कौन हुआ, इसमें इंटेस्टिनल जूस हुआ। चलिए हम लोग अगले भाग में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन मैंने देख लिया कम्प्लीटली, अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में है कि आपको डेट इज़ क्या है, मैचिंग है, मैचिंग है। पहला दो कॉलम में दिया हुआ मैचिंग, कॉलम वन और कॉलम टू। तो चलिए कॉलम वन है, कॉलम टू है। एक तरफ है कि बिलीरुबिन है, बिलीबर्डिन है। दूसरा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च है। सी में है डाइजेशन ऑफ फैट्स। डी सेलिब्री ग्लैंड है। कॉलम टू की तरफ बढ़ते हैं तो पैरोटिड है फर्स्ट में, सेकंड में बाइल है, तीसरा लाइपेज है, माइलेज। इसको क्या करना है, आपको चुनाव करना है। तो आपका ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ए का जो है आपका क्या होगा आंसर, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन क्या ये सॉल्ट्स हैं, सॉरी पिगमेंट है, सॉल्ट नहीं है, क्या है आपको, वाइल आपको बाइल, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन आपको ना बाइल सॉल्ट से, ये क्या है, बाइल पिगमेंट है। तो बाइल पिगमेंट है, तो बाइल पिगमेंट कहीं पर है, तो पिगमेंट के बारे में नहीं दिया, सिर्फ बाइल दिया हुआ है। तो आंसर इसका चला जाएगा दो, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए बी, हम लोग देखते हैं कि बी का आपका इसका आंसर क्या होगा। तो बी का आंसर जनरली हम लोग देखते हैं कि बी का आंसर क्या होगा। तो बी का आंसर क्या होगा, बी का आंसर भाई, बी है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कौन करता है, तो अमाइलेज करता है। तो अमाइलेज आपको दिया हुआ है चौथा नंबर में, अमाइलेज दिया हुआ है। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कौन करता है, अमाइलेज करता है ना। तो इसको लिखना है आपको आंसर, किस तरीके से बनाना है, सीधा सीधा बनाना है, तब नंबर आएगा बोर्ड में बाबू, नहीं तो नहीं आने वाली है ना। तो इस तरीके से चौथा हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है आपका चौथा हुआ, ठीक है, इसका आंसर। चलिए सी का है डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट कौन करता है, तो लाइपेज करता है। तो सी का आंसर हो गया, डेट इज आपको तीसरा हो गया, कौन हो गया, तीसरा हो गया, ओके। चलिए डी का जो आंसर हो गया, डी का क्या हो जाएगा, तो डी का जो आंसर है यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड क्या है, सलेवरी ग्लैंड से सलेवा निकलता है, किससे सलेवा, कौन सा सलेवरी ग्लैंड है। चलिए तो एक पैरोटिड बच रहा है, पैरोटिड है ही ग्लैंड है, वो क्या है, सलेवरी ग्लैंड है ना। तो ये डेट इज़ क्या है, सलेवरी ग्लैंड है। तो यानी कि डी का जो आंसर हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपको ए का दो हो गया, बी का फोर हो गया, और सी का थ्री हो गया, और डी का वन हो गया, ये करेक्ट मैचिंग है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग तीसरा देखते आंसर ब्रीफली। तो हम लोग तीसरा में आते हैं, आंसर ब्रीफली में आते हैं, ब्रीफ तरीके से आंसर देना है। कह रहा है पहला क्वेश्चन से, व्हाई आर विलाई
प्रेजेंट इन द इंटेस्टिन एंड नॉट इन द स्टमक, स्टमक में नहीं रहता, इंटेस्टिन में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इंटेस्टिन में आपको देना है बिलाई आर प्रेजेंट इन इंटेस्टिन, है ना, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और क्यों रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर बिगिनिंग होता है आपको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और बिगिनिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसको इंग्लिश में लिखना है बिलाई आर प्रेजेंट इन इंटेस्टिन नॉट इन स्टमक ड्यू टू एंडिंग ऑफ डाइजेशन और कंप्लीट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन इंटेस्टिन एंड बिगिनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्ड इन अ स्मॉल इंटेस्टिन। ओके, सो बिलाई आर प्रेजेंट इन इंटेस्टिन। चलिए बी में, हाउ डज पेप्सिनोजेन चेंज इंटू इट्स एक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजेन एक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज होता है? तो पेप्सिनोजेन आपने पढ़ा होगा, पेप्सिनोजेन कैसे चेंज होता है, तो ये आपको पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन बदलता कैसे है, पेप्सिनोजेन पर कौन एक्ट करता है? चलिए ये हम बताते हैं, पेप्सिनोजेन पर जैसे ही HCl एक्ट करता है तो वो चेंज हो जाता है किस में बाबू, आपको पेप्सिन में चेंज हो जाता है ना। तो लिखेंगे हाउ डज पेप्सिनोजेन, क्वेश्चन है हाउ डज पेप्सिनोजेन चेंज इंटू इट्स एक्टिव फॉर्म। तो लिखेंगे वेन HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट्स ऑन पेप्सिनोजेन देन इट चेंज इंटू इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ओके, नेक्स्ट है सी नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द बेसिक लेयर ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो बेसिक लेयर कौन कौन होता है, चार होता है, एक सेरोसा होता है, दूसरा मस्करलीज होता है, तीसरा सब म्यूकोसा होता है, चौथा म्यूकोसा होता है, ये लिखनी है, फोर लेयर होता है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है डी में हाउ डज वाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सॉल्ट, तो वाइल डाइजेशन में कैसे मदद करता है? तो इसमें तो एंजाइम नहीं होते हैं, जनरली हम लोग तो जानते हैं कि बाइल में क्या क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होता है, बाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फो लिपिड्स होता है ना, लेकिन एंजाइम नहीं होते हैं। बाइल करता क्या है, जो एसिडिक जो फूड जो पचा है स्टमक में उसका न्यूट्रलाइजेशन करता है। हम लोग लिखेंगे बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजिंग ऑफ एसिडिक सब्सटेंस ऑफ स्टमक। ओके, नेक्स्ट में चौथा क्वेश्चन से स्टेट द रोल ऑफ द पैनक्रेटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, आपको बतानी है कि किस तरीके से पैनक्रेटिक जूस का डाइजेशन होता है आप कहाँ पे प्रोटीन का। तो लिखना प्रोटीन पर एक्ट करेगा पैनक्रेटिक जूस और किस में तोड़ देगा, पेप्टॉन में तोड़ देगा और प्रोटीओज में तोड़ देगा। ओके, ये आपको लिखनी है, मैकेनिज्म लिखना है। नेक्स्ट में डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक, प्रोटीन में किस तरीके से स्टमक का डाइजेशन होता है वो लिखना है। तो पेप्टॉन प्रोटीओज जो भी है ना, उसको तोड़ा जाता है कहाँ पे, जैसे कि स्टमक में क्या होता है वहाँ पर क्या लिखना था, पेनक्रेटिक जूस लिखना था, तो यहाँ पर गैस्ट, यहाँ पर क्या होगा, ये कनेक्ट करेगा, पेप्सिन ऐड करेगा है ना, और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, पेप्टाइड में तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड में तोड़ देगा, ये लिखना है। अब है पूछ रहा क्वेश्चन नंबर छठा कि गिव है द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बींग, तो आप जानते हो 2123/2123 इंटू 2 होता है इक्वल टू 32 होता है ना परमानेंट टीथ का। चलिए सी में है बाइल जूस कंटेंट्स नो डाइजेस्टिव इंजाइम येट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, वाई, बाइल जूस में कोई भी इंजाइम नहीं होता है लेकिन ये डाइजेशन में सहायक होता है, क्यों, क्योंकि डाइजेशन में सहायक होगा ही है ना, इसमें इंजाइम नहीं होता है लेकिन क्या करता है, लाइपेज जो इंजाइम जो होते हैं जो निकले हुए थे आपके स्टमक में उसको इनएक्टिव को एक्टिव कर देता है, इसीलिए ये फैट्स के डाइजेशन में सहायक होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन एसिडिक गैस्ट्रिक सबस्टांस का न्यूट्रलाइजेशन के साथ। सातवां डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव रोल ऑफ कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, एक्ट करता है कीमोट्रिप्सिन पर जब ट्रिप्सिन एक्ट, हाँ करा है, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव रोल ऑफ कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन बनता है आपको प्रोकार्बोक्सी आपको देखते हैं है ना, प्रो फॉर्म में जब रहता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है कीमोट्रिप्सिन, तो बदलता है आपको कीमोट्रिप्सिन में है ना, यानी कि इनएक्टिव से कीमोट्रिप्सिन में, जब आपको ट्रिप्सिन इस पर एक्ट करता है तब आपको बदलता है कीमोट्रिप्सिनोजेन में। तो डेट इज़ इस तरीके से कीमोट्रिप्सिन का लिखना है, पैनक्रेटिक आपको मैकेनिज्म लिखना है ना, डाइजेशन का आपको दिया हुआ है, आपको कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ किस तरीके से एक्ट करता है आप पहले पढ़ चुके हो है ना।
चलिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, किस तरीके से कीमोट्रिप्सिन ऐड करता है। लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया भाई, है ना, क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछ रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है ना। कह रहा है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव रोल ऑफ कीमोट्रिप्सिन, डाइजेस्टिव रोल के बारे में अच्छी तरीके से बताना कि डाइजेस्टिव रोल क्या कीमोट्रिप्सिन का। तो कीमोट्रिप्सिन प्रोटीन पर ही एक्ट करता है ना, विच टू अदर डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द सेम कैटेगरी, तो वो ट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइड हो गया, ठीक है। सोर्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड कहाँ से निकलता, ये इसका सोर्स कहाँ है, कौन से ग्लैंड से ये निकलता है ना, तो वो पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है। नंबर क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ आर पॉलीसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड डाइजेस्टेड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड कैसे डाइजेस्टेड होते हैं। तो पॉलीसेक्राइड कैसे डाइजेस्टेड होते हैं, तो पॉलीसेक्राइड आपको डाइसेक्राइड में चेंज होते हैं, उसका डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड में। तो पॉलीसेक्राइड में लिखना है कि स्टार्च टूटता है, दो लिखना है, पॉलीसेक्राइड में आपको कौन लिखना है, डाइसेक्राइड में कौन लिखना है, तो पीछे की और आपने जो पढ़ा है ना, चलिए क्या क्या पढ़े हो पीछे में, तो आपको लिखना क्या है, तो पॉलीसेक्राइड कैसे टूटता है, सलाइवरी ग्लैंड में पहला दिया हुआ था, देखो ये दिया हुआ स्टार्च पर जब एक्ट करता है, यानी कि पॉलीसेक्राइड है स्टार्च है तो माल्टोज में टूटता है, ये लिखना है पहला, ये इतना पूरा येलो वाला लिखना है, कवर वाला है ना, ये हो गया। फिर आपको ये लिख सकते हो, इधर ये भी लिख सकते हो ना, और डाइसेक्राइड का फॉर्म कौन लिखो, डाइसेक्राइड का यहाँ पर तुमको दिया हुआ है, इस पेज में देख सकते हो, ऊपर में आपको 264 पेज नंबर में आपको यहाँ से डाइसेक्राइड है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये तीनों आपको ये लिख देना है आपको डाइसेक्राइड में, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमें बहुत आशा है कि आप बना लेंगे है ना क्वेश्चंस को। चलिए कह रहा है दसवां नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ HCl वेयर नॉट सिक्रेटेड इन द स्टमक, अगर स्टमक में HCl नहीं होगा सिगरेट तो क्या होगा, तो डाइजेशन ही कंप्लीट नहीं होगा, वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं होगा, सीधा सिंपल है, क्योंकि HCl इनएक्टिव एंजाइम को इनएक्टिव ही रहने देगा, HCl नहीं रहेगा तो इनएक्टिव ही रह जाएगा, है ना, ये कहना है, बिना HCl के इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव होगा जी नहीं ना, तो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रह जाएगा, हाँ तो पेप्सिन बनेगा नहीं, पेप्सिन बनेगा नहीं तो आपको एसिडिक डाइजेशन होगा नहीं, डाइजेशन कंप्लीट होगा नहीं, प्रोटीन टूटेगा नहीं। चलिए 11 में, हाउ डज बटर, तो लिखना है 10th में क्या लिखोगे, क्वेश्चन था आपका व्हाट वुड हैपन इफ HCl वेयर नॉट सेक्रेटेड इन स्टमक, तो लिखना है इफ HCl वेयर नॉट सेक्रेटेड इन स्टमक देन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डज नॉट टेक प्लेस इन स्टमक। 11 में, हाउ डज बटर इन योर फूड गेट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी, चलिए बटर में क्या होता है, जब बाबू फैट्स होता है तो फैट्स पर कौन ऐड करेगा, लाइपेज ऐड करेगा है ना, सलेबरी बाइलेज ऐड करे, चाहे आपको सलेबरी में लाइपेज नहीं होता है ना, आपको पेनक्रेटिक लाइपेज ऐड करेगा और उस पर ऐड करके उसको किस में तोड़ेगा, आपको डाइग्लिसराइड में तोड़ देगा, फैटी एसिड में तोड़ देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में यानी कि तोड़ देगा। चलिए नेक्स्ट में ये बनानी है, 12th में कह रहा है डिस्कस द मेन स्टेप ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एज द फूड पासेस थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कह रहा है डिस्कस करना है जो मेन स्टेप है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, वो किस तरीके से फूड पास किया एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पासेस पे, है ना, तो प्रोटीन सबसे पहले स्टमक लिखना है, तो देखिए कोई भी रिलेटेड आए तो पहले डायग्राम बना देना है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक की कह रहा है ना, तो स्टमक में किस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरीके से हुआ, ये बतानी है, ये डिस्कस करनी है, ये मेन स्टेप है, ये डिस्कस करना है ना, कि स्मॉल क्या करना है कि स्टमक से किधर से गया, स्मॉल इंटेस्टिन में गया, ये बतानी, डिस्कस करनी है, छोटा सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टर्म थीकोडेंट एंड डाइफोडेंट, थीकोडेंट मतलब हुआ दो टाइप ऑफ टूथ आर विच आर एम्बेडेड इन जा, तो वैसे टीथ जो क्या होते हैं जाओ में ढंसे रहते हैं उसे थीकोडोंट कहते हैं, डाइफोडोंट किसे कहते हैं, दो टीथ आर ग्रू इन लाइफ स्पैन एज टू टाइम्स, उसे क्या कहेंगे, डायफायरोडोंट, इन फॉर्म ऑफ मिरर टीथ एंड अ
अदर परमानेंट टीथ। तो दो बार जो दांत उगते हैं उसे डायफाइडोंट कहा जाता है। फोर्टीन्थ है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर नंबर इन एन एडल्ट ह्यूमन। तो कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के जो टीथ है उसका टाइप बताना है। तो इंसीजर्स के नाइन, प्रीमोलर, मोलर हो गया, ये टाइप लिखेंगे। टाइप्स ऑफ टीथ इंसीजर के नाइन, प्रीमोलर, मोलर, और उसके नंबर लिखेंगे कितने कितने होते हैं, है ना। तो इंसीजर के तो नंबर हो गए, तो आपको कितने हो गए, ऊपर हो गए कितने, दो दो चार, चार दो आठ, ऊपर चार नीचे चार, चार चार आठ हो गए, है ना। प्रत्येक का लिख देना है डेंटल फार्मूला से हेल्प से लिख लेना। और केनाइन का हो जाएगा आपको कितना, फोर हो जाएगा, और जबकि आपको फिर आठ हो जाएगा किसका, प्रीमोलर का, और मोलर का हो जाएगा बारह एडल्ट में। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का बहुत फंक्शन होता है, लीवर का 16-17-18 फंक्शंस होता है ना। लीवर का कौन कौन फंक्शन होता है, डीएमिनेशन होता है, बाइल फॉर्मेशन होता है ना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को तोड़ता भी है, ग्लूकोज आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, एरिथ्रोपोएसिस भी करता है, स्टोर भी करता है बहुत सारे मेटल्स को, वाटर को, मिनरल्स को, फैट्स को, ये सब बहुत सारे। आपको टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं, टेम्परेचर को बनाने में मदद करता है ना, यानी कि हीट बैलेंस करने में मदद करता है। कौन, लीवर बॉडी में। ये इस तरीके से बहुत सारे हैं, है ना। फाइब्रिनोजेन ये सब भी बनते हैं कहाँ, लीवर में बनते हैं। आपको एम्ब्रो में, इन्फेंट्स में अगर देखा जाए, एम्ब्रो में देखा जाए तो वहाँ पर आरबीसी बनते हैं आपको। फिर हो गया कफर सेल्स आपको लीवर में मौजूद होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन आंसर हमने देखा। तो इस भाग में हमने क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट मैंने किया, और अगले भाग में हम लोग मिलेंगे आपको, डेट इज ब्रीदिंग हम लोग मिलेंगे, है ना। तो अगले भाग में हम लोग ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग पढ़ेंगे। तो इस सेशन में हमने कंप्लीट किया ह्यूमन फिजियोलॉजी डायजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पूरा कंप्लीट कर दिया। इंग्लिश मीडियम बुक को हिंदी सेशंस में हमने समझा करके पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया। तो ये आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है, जिसे अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। धन्यवाद।